हेलो एवरीवन, वेलकम टू जैनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टू स्टेबिलिटी, जिसमें मैं स्टेबिलिटी का आपको डेफिनेशन दिया कि सडन डिस्टरबेंस के बाद भी अगर आपका सिस्टम ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर ले, दैट मीन्स वो सिस्टम स्टेबल है, अदरवाइज वो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग उसमें देखे थे टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, जिसमें तीन टाइप मैं आपको डिस्कस किया था। फर्स्ट वन इज़ दी वोल्टेज स्टेबिलिटी, मतलब वोल्टेज कभी भी 0.95 पर यूनिट से 1.05 पर यूनिट के बीच में ही होना चाहिए, मतलब प्लस माइनस 5% फ्लक्चुएशन या टॉलरेंस हम हैंडल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होगा तो हमें एनी हाउ कंपनसेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा, मतलब कि वोल्टेज कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज सिस्टम क्या हो सकता है, सिंक्रोनिज्म को लूज कर सकता है, राइट। सेकेंड जो है वो हम फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी देखे थे। फ्रीक्वेंसी स्टेबिलिटी में मैं आपको बताया था कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट आउटपुट में रहना चाहिए। अगर आपका मशीन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो कितना चेंज हो सकता है, वेरिएशन कितना हो सकता है। जो हमारा टॉलरेंस है, दैट इज 49.5 टू 50.5, दैट इज 1% ऑफ 50 हर्ट्ज, राइट। तो 1% ऑफ 50 हर्ट्ज तक अगर चेंज हो रहा है, कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो नो प्रॉब्लम। अगर उससे ज्यादा चेंज होगा तो हमें उसको कंट्रोल करने की जरूरत है। थर्ड वन इज द एंगुलर स्टेबिलिटी, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और एंगुलर स्टेबिलिटी में मैं आपको तीन टाइप्स दिखाया था। फर्स्ट वन इज द स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, सेकेंड इज ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, एंड थर्ड वन इज द डायनामिक स्टेबिलिटी। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में मैं आपको बताया था कि जब स्मॉल डिस्टर्बेंस किसी सिस्टम में आएगा, स्मॉल डिस्टर्बेंस का मतलब है कि कुछ सर्टेन टाइम के लिए, मिली सेकेंड में कुछ टाइम के लिए डिस्टर्बेंस हुआ, तो उस केस में आपका रोटर एंगल पे क्या चेंज आएगा। एंगुलर स्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि डेल्टा की बात कर रहे हैं। तो रोटर एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे वेरी करेगा, उस पर हम लोग एनालाइज करेंगे जब हम स्मॉल डिस्टर्बेंस देंगे। तो ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी मतलब कि रोटर एंगल का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम देखने वाले हैं, लेकिन लार्ज डिस्टर्बेंस, लार्ज डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है कि आपको कोई डिस्टर्बेंस आया और कुछ टाइम तक रहेगा, 3 साइकिल 4 साइकिल 5 साइकिल तक वो डिस्टर्बेंस आपको दिखेगा, तो उसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या पावर विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ये सारा चीज़ हम लोग देखने वाले हैं बाय द यूज़ ऑफ इक्वल एरिया क्राइटेरिया, जो मैं डिटेल में आपको आगे बताने वाला हूँ जब ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। तो स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में आपका स्विंग इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर स्टडिंग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी हम लोग स्विंग इक्वेशन को समझ लें कि व्हाट इज स्विंग इक्वेशन, होता क्या है ये स्विंग इक्वेशन, इससे क्या हमें मिलता है। तो अगर आप स्विंग इक्वेशन की बात करो तो स्विंग इक्वेशन कुछ नहीं है, ये आपको डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू पावर कुछ रिलेशन देता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में देखें कि ये इक्वेशन क्या है और इसका आपका प्रैक्टिकल अप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसको एनालाइज कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्विंग इक्वेशन को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि रोटर है, अगर किसी मशीन का रोटर है तो रोटर किससे कनेक्ट होगा, शाफ्ट से। इनपुट साइड की अगर हम बात करें अल्टरनेटर का, तो रोटर जो है वो शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और वो शाफ्ट रोटेट करता है तो रोटर भी रोटेट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस शाफ्ट को अगर मैं रोटेट करूँगा तो ऑब्वियसली टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो जो टॉर्क हम लोग बोलते हैं दैट इज़ नोन एज शाफ्ट टॉर्क। तो मान लीजिए मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, जैसा कि मैं आपको बताया था कि रोटेशन होता है वो कैसा होता है एंटी क्लॉकवाइज सिंक्रोनस मशीन में। ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रखते हैं इन ऑर्डर टू गेट द पॉजिटिव फेज सीक्वेंस या पॉजिटिव ईएमएफ, पॉजिटिव सीक्वेंस ईएमएफ। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो शाफ्ट टॉर्क जो मेरा प्रोड्यूस होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। अब ये रोटर जब इसमें एक्साइटेशन है, ऑब्वियसली हम डीसी एक्साइटेशन देते हैं रोटर में, तो जब इसको हम रोटेट कराएंगे तो ये आपका जो स्टेटर है, स्टेटर के फ्लक्स, वहाँ पे फ्लक्स इंड्यूस होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। आपको पता होना चाहिए कि फ्लक्स जब भी कट करता है किसी कंडक्टर को तो d∅dt ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में मिलेगा करंट प्रोड्यूस होने के बाद। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इस शाफ्ट टॉर्क को अपोज करेगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। आपको पता होना चाहिए लेंज लॉ क्या होता है, कि जो भी आपका कॉज है उसको अपोज करेगा, दैट इज नोन एज लेंज लॉ। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हम ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क जस्ट इसके अपोजिट आएगा शाफ्ट टॉर्क के, ठीक है। तो आइडियल केस में अगर हम बात करें, जब कोई डिस्टरबेंस नहीं है, सिस्टम एकदम स्टेबल है, तो उस केस में आपका शाफ्ट टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क दोनों क्या होगा, बराबर होगा,
समझ में आ गया इतना बात? तो शाफ्ट टॉर्क और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर बराबर हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल सिस्टम है, कंटिन्यू सिस्टम चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जैसे ही हम कुछ डिस्टरबेंस दिए, मान लीजिए फॉल्ट हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया जिससे सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ गया, तो उस डिस्टर्बेंस के कारण आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पावर चेंज होगा तो पावर और टॉर्क का आपको रिलेशन पता है, टॉर्क मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, दैट विल गिव यू पावर। तो ऑब्वियसली अगर आपका पावर चेंज होगा तो टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चेंज होगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क चेंज होगा मतलब कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाएगा, साफ टॉर्क में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क में डिफरेंस आएगा। वो डिफरेंस किसके बराबर होता है? शाफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इज इक्वल टू टी जे प्लस टी डी, टी बी जिसको बोलते हैं। तो ये टी जे जो होता है दैट इज नोन एज इनर्सिया टॉर्क। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर्सिया टॉर्क। और ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं डैम्पिंग टॉर्क। तो ये जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये इक्वेशन कब आएगा? जब आपका सिस्टम में कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस आएगा। अगर सिस्टम में डिस्टरबेंस नहीं है, ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, मतलब कि शाफ्ट टॉर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क होगा जब हम आपका सिस्टम स्टेडी स्टेट में नॉर्मल ऑपरेट कर रहा है। तो जब भी डिस्टर्बेंस हुआ तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनेगा, इनर्सिया टॉर्क आएगा और डैम्पिंग टॉर्क आएगा। अब बताओ डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या है? डैम्पिंग टॉर्क का काम है जो भी ऑसिलेशन आ रहा है डिस्टर्बेंस की वजह से, जब आपका डिस्टर्बेंस होगा सिस्टम तो ऑब्वियसली हमारा स्पीड जो होगा वो चेंज होगा, मतलब ऑसिलेशन आया, डेल्टा में ऑसिलेशन आएगा। तो स्पीड या डेल्टा में अगर ऑसिलेशन आ रहा है तो डैम्पिंग टॉर्क का काम क्या है? वो डैम्प आउट कर देगा उस ऑसिलेशन को, मतलब कि एनी हाउ ये स्टेबल करने में हमारा मदद कर रहा है या नहीं कर रहा है? स्टेबल करने में ये मदद करेगा, उस ऑसिलेशन को डैम्प आउट करने में मदद करेगा, मतलब स्टेबिलिटी को ये इम्प्रूव कर रहा है। तो वर्स्ट केस एनालिसिस हम लोग करेंगे अगर फॉल्ट का या सिस्टम का। वर्स्ट केस एनालिसिस का मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज़ हम नहीं रखना चाहते हैं जो आपके डिस्टर्बेंस को ओवरकम करने की कोशिश करे, राइट? तो वर्स्ट केस एनालिसिस में, फॉर वर्स्ट केस एनालिसिस हमारा ये डैम्पिंग टॉर्क को हम क्या कर देंगे? जीरो कर देंगे। तो फाइनली हमारा क्या मिलेगा? टी जे इज इक्वल टू साफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, ठीक है? तो टी जे को जो हम लोग लिखेंगे दैट इज इक्वल टू जे डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर। मैकेनिकल में है इसलिए हम थीटा जो लेंगे वो मैकेनिकल का लेंगे, और जे आपको पता है दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्सिया। जे डी थीटा स्क्वायर डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी एस एच माइनस टी ई एम। अब देखिए, जनरली हम लोग डबल ई के स्टूडेंट या डबल ई में जो भी हम लोग हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, वो टॉर्क में डील करना पसंद नहीं करते हैं, वो जनरली पावर में डील करना पसंद करते हैं, वो पावर में ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। तो कोई भी इक्वेशन को वो कोशिश ये करते हैं कि अगर कोई इक्वेशन टॉर्क में आया है तो उसको हम पावर में कन्वर्ट कर ले। तो इसको हम पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे डी स्क्वायर थीटा एम अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू शाफ्ट टॉर्क माइनस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब इन दोनों में इधर भी और इधर भी हम क्या करेंगे? मैकेनिकल स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? तो जैसे ही हम मैकेनिकल स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क इनटू ओमेगा विल गिव यू द शाफ्ट पावर एंड टी एम इनटू ओमेगा विल गिव यू द इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं पी एम दैट इज द मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज पीई। इलेक्ट्रिकल पावर को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं। अब इधर देखो, इधर आपका मैकेनिकल स्पीड है, यहाँ थीटा भी है, वो मैकेनिकल में है। तो आपको मैं पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से इसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको लिख सकते हो 2 बाई पी इंटू ओमेगा एस, जे को आप यहाँ रखिए ऐसे, और इसके बाद थीटा एम का भी एक आएगा 2 बाई पी, उसके बाद डी स्क्वायर थीटा ई में कन्वर्ट हो जाएगा अपॉन डी टी स्क्वायर। थीटा एम को 2 बाई पी इंटू थीटा ई कर दिए, ओमेगा एस एम को 2 बाई पी इंटू ओमेगा एस कर दिए, जे को यहाँ रखें। अब देखिए ये क्या मिल जाएगा आपको? 2 बाई पी का स्क्वायर जे इंटू 2 बाई पी का स्क्वायर इंटू ओमेगा एस इंटू डी स्क्वायर थीटा ई
अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू मैकेनिकल पावर माइनस इलेक्ट्रिकल पावर। तो ये आप देखो ध्यान से, पिछले लेक्चर में मैं इसको आपको डिटेल में बताया हूँ। इसी को तो हम लोग बोलते हैं एम, दैट इज द इनर्शिया कॉन्स्टेंट, एम डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई। तो यहाँ देखिए हमको फाइनली जो मिला वो पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिल गया, एम डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पावर में हम इस पूरे टॉर्क इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिए, दैट इज पी एम माइनस पी ई, वेयर मैकेनिकल पावर इज द पी एम एंड इलेक्ट्रिकल पावर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी ई से। ठीक है, तो जब भी मैकेनिकल पावर इनपुट मतलब इनपुट पावर और आउटपुट पावर में कुछ भी डिफरेंस आएगा, इसका मतलब है कि सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, यहाँ से आपको पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं सिंक्रोनस मशीन की बात करूँ तो सिंक्रोनस मशीन में जो थीटा ई होता है दैट इज इक्वल टू ओमेगा एस इंटू टी प्लस डेल्टा टी। ये कैसे आता है तो आप समझो इस चीज को, मान लीजिए ये रोटर है, ये रोटर है और इस रोटर का कुछ स्पीड है जिसको हम लोग ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, और मान लीजिए रेफरेंस जो है इसका विथ रिस्पेक्ट टू ये रेफरेंस हुआ, इसी में आपका जो ये ओमेगा एस टी जो मिल रहा है ये कुछ एंगल पे ऐसा मिल रहा है दैट इज ओमेगा एस टी, और ये आपका पूरा है दैट इज थीटा ई, और ये जो है दिस इज नोन एज रोटर स्पीड, राइट? नहीं, दिस इज ओमेगा एस एंड दिस इज ओमेगा आर, जिसको हम ओमेगा से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि रोटर का स्पीड आपको ओमेगा से दिखा रहे हैं, और ये आपका सिंक्रोनस स्पीड है जो कि रेफरेंस से कुछ टाइम के बाद ओमेगा एस टी थीटा पे डिपेंड करेगा, इस एंगल पे ये रोटेट कर रहा है, रोटर ये इस पे रोटेट कर रहा है। तो आप देखो रोटर स्पीड और सिंक्रोनस स्पीड के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा, राइट? तो यहाँ पे आप देखो थीटा ई आपको क्या मिल रहा है, डेल्टा टी प्लस ओमेगा एस टी, राइट? इस तरह से आप समझ सकते हो। अगर ये समझ में आपको नहीं आ रहा है तो आप सिंक्रोनस मशीन का फेजर डायग्राम आप देखोगे एट नो लोड या फिर लोडिंग के केस में, तो मान लीजिए आपका एफएफ जो है, एफएफ बोलते हैं फील्ड फ्लक्स, फील्ड एमएमएफ को, एफएफ आपका इधर है तो ईएमएफ 90 डिग्री पे आएगा, और हम लैगिंग की बात करें क्योंकि रिएक्टेंस होता है, तो लैगिंग में आपका आई जो होगा ये इधर आएगा, मतलब आर्मेचर रिएक्शन का एफएआर यहाँ पे होगा, और इन दोनों का नेट जो होगा वो किस इधर होगा एफ आर। तो डेल्टा जो होता है ये आपका मान लो यहाँ पे रेफरेंस है, रेफरेंस आप कहीं भी ले सकते हो, मान लो मैं यहाँ पे रेफरेंस ले रहा हूँ, तो ये जो एफ आर है दैट इज द रिजल्टेंट एमएमएफ और फील्ड एमएमएफ का जो बीच का एंगल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रोटर एंगल डेल्टा, और एफ आर जो है वो मूव कर रहा है कितना से, सिंक्रोनस स्पीड से, ओमेगा एस से। तो ओमेगा एस रेफरेंस से कितना आपका कुछ टाइम में कितना एंगल क्रिएट करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओमेगा एस इंटू टी, और टोटल रेफरेंस से आपका फील्ड एमएमएफ का जो एंगल होता है दैट इज नोन एज थीटा ई। तो यहां से भी आपको मिलेगा थीटा ई इज इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा। तो पूरा डिटेल में आप सिंक्रोनस मशीन में देखोगे किस तरह से हम फेजर डायग्राम बनाते हैं और अंडर नो लोड एर लोड केस में फिर आर्मेचर रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे जो मैं ले रहा हूँ जनरेटर के केस में आर्मेचर रिएक्शन, यहाँ पे लैगिंग ले रहा हूँ, ऑब्वियसली देखो ईएमएफ से करंट लैग करेगा तो आपका जो आर्मेचर रिएक्शन का जो फील्ड आएगा, फील्ड ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन, वो इधर ही आएगा। तो इन दोनों का आप रिजल्टेंट निकाल लो, एफएफ का और एफएआर का जो रिजल्टेंट होगा वो एफआर होगा जो कि स्पीड ओमेगा एस से रोटेट करेगा यहाँ पे। तो एफआर और एफएफ के बीच का जो एंगल होता है उसको डेल्टा बोलते हैं, रेफरेंस से एफआर का जितना लीड करेगा उसको ओमेगा एस टी बोलते हैं, और थीटा ई आपका रेफरेंस से फील्ड एमएफ के बीच का एंगल होता है उसको थीटा ई बोलते हैं। तो आपको थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस डेल्टा टी आपको मिल गया। अब थीटा ई को दो बार डिफरेंशिएट करो तो डी थीटा ई अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एस प्लस डी डेल्टा बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज करेगा जब डिस्टर्बेंस होगा। तो उसके बाद जब अगेन आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा एस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डी ओमेगा एस अपॉन डी टी, ओमेगा एस क्या है, फिक्स्ड है, 2 पाई एन एस अपॉन 60, एन एस इज इक्वल टू 120 एफ अपॉन पी, और फ्रीक्वेंसी हम क्या कर रहे हैं, फिक्स करके ओमेगा एस की वैल्यू जीरो कर देंगे। तो फाइनली आपका डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जो आएगा वो डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर, राइट? तो जो भी हम यहाँ पे निकाले हैं एम डी स्क्वायर थीटा ई अपॉन डी टी स्क्वायर उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एम डी स्क्वायर डेल्टा टी अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। तो ये आपका जो होता है दैट इज नोन एज स्विंग इक्वेशन।
ठीक है। तो स्विंग इक्वेशन में आप देखो डेल्टा का कुछ रिलेशन आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पावर, मैकेनिकल पावर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। तो अब देखो डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। अब यहां से हमको क्या पता चलेगा कि रोटर एक्सलरेट कर रहा है या डिसलरेट, जैसे मैं बोला आपको कि स्विंग इक्वेशन क्या बताता है कि डेल्टा आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, ये सारा चीज आप स्विंग इक्वेशन से पता कर सकते हो। तो मैं इसको ओमेट करता हूं, फिर मैं बताता हूं किस तरह से ये आपका पूरा कैसे हम लोग स्पीड को बोल सकते हैं कि एक्सलेट कर रहा है रोटर या डिसलेट कर रहा है, ये सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा। तो फाइनली हम लोग स्विंग इक्वेशन निकाल लिए हैं, दैट इज एम डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम माइनस पी ई। अब देखो डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर को हम लोग एक्सलरेशन भी बोलते हैं। रीजन क्या है, आप देखो डेल्टा जो होता है वो एंगल होता है, राइट, रोटर एंगल होता है, उसको डी डेल्टा बाई डी टी कर दोगे तो एंगुलर स्पीड मिल जाएगा, और उसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो एंगुलर एक्सलेशन मिल जाएगा। तो हम इसको है ना एंगुलर एक्सलेशन या सीधे एक्सलरेशन भी बोलते हैं, राइट। तो उसको जो डिनोट करते हैं दैट इज एम इन टू अल्फा, डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू पी एम माइनस पी। अब देखिए अंडर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट में आप बताओ पी एम और पी ई में कोई डिफरेंस होगा क्या, नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी एम इज इक्वल टू पी ई मिलेगा आपको अंडर स्टेडी स्टेट में, मतलब जब डिस्टर्बेंस नहीं होगा तो कोई भी आपका मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। रीजन क्या है, हम यहाँ पे आइडियल अल्टरनेटर ले रहे हैं, मतलब लॉसेस को निगलेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी हम मैकेनिकल पावर देंगे वो इलेक्ट्रिकल पावर फॉर्म में निकलेगा। तो पी एम इज इक्वल टू पी ई हो गया, तो इस केस में आप देखो एम इन टू अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना जीरो, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू जीरो। तो अल्फा इज इक्वल टू जीरो मतलब कि कोई भी एक्सलरेशन नहीं होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो होगा। तो आप यहां से एक बार डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर दो तो डी डेल्टा अपॉन डी टी आपको कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मिलने वाला है, राइट। अगर आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो जीरो का इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट मिलेगा, और दिस इज नथिंग बट एंगुलर स्पीड। तो हम ये कह सकते हैं कि स्पीड क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, राइट। तो जब भी स्टेडी स्टेट में आप देखो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस नहीं है तो स्पीड क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो ये हमें स्विंग इक्वेशन बता रहा है कि नहीं, बता रहा है। अब देखो जैसे ही मैं डिस्टर्बेंस ला रहा हूं तो डिस्टर्बेंस कैसा हो सकता है कि आपका या तो इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ गया या फिर इलेक्ट्रिकल पावर घट गया, इस या फिर मैकेनिकल पावर बढ़ गया या मैकेनिकल पावर घट गया। ओवरऑल दो केस पॉसिबल है। पहला केस क्या पॉसिबल है कि अगर आपका पी एम माइनस पी ई ग्रेटर देन जीरो हो गया, मतलब कि अगर मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर से ज़्यादा हो गया तो उस केस में एम इंटू अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब अल्फा क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो। तो आप ये खुद बोल सकते हो कि यहाँ पे एक्सलेटिंग, ये एक्सलेशन होता है, राइट। तो एक्सलेशन अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है दैट मीन्स कि रोटर का स्पीड क्या होगा, बढ़ जाएगा, रोटर विल ट्राई टू एक्सलरेट। तो जब भी पी एम ग्रेटर देन पी ई आएगा, मैकेनिकल पावर ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिकल पावर से, तो एक्सलरेटिंग आपका केस दिखेगा, मतलब कि रोटर का स्पीड बढ़ेगा। उसी तरह से अगर आपका पी एम माइनस पी ई लेस देन जीरो है तो अल्फा लेस देन जीरो हो जाएगा, और अल्फा लेस देन जीरो मतलब कि एक्सलरेशन निगेटिव हो गया, निगेटिव का मतलब हो गया कि डिसलरेशन, उसको हम उल्टा अदर फॉर्म में क्या बोलते हैं, डिसलेशन, मतलब कि डिसलरेशन हो रहा है। तो स्पीड जो है वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा इस केस में, जब आपका मैकेनिकल पावर कम और इलेक्ट्रिकल पावर बढ़ जाएगा। तो आप देखो स्विंग इक्वेशन से आपको ये चीज़ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसीलिए मैं बोला कि स्विंग इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपको स्टेबल ऑपरेशन बताने के लिए। इसका हम लोग स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में बहुत अच्छे से एनालाइज करने वाले हैं। तो ये तो अभी जो मैं स्विंग इक्वेशन निकाला हूँ ये आपका सिंगल मशीन सिस्टम का है, सिंगल मशीन सिस्टम जिसका एक कुछ एम की वैल्यू होगी, कुछ रोटर एंगल होगा, कुछ मैकेनिकल पावर हम इनपुट उसमें दे रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट हमें मिलेगा, राइट। अब अगर मल्टी मशीन सिस्टम हो जाए तो फिर हम कैसे उसको उसमें ऑपरेशन लगाएं, कैसे हमें पता चलेगा कि किसका एक्सलेशन में है, किसका डिसलेशन में, ये सारा चीज़ कैसे पता चलेगा, तो उसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। मतलब स्विंग इक्वेशन हमको इंडिविजुअल स्विंग इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो हम लोग पढ़ते हैं इस कोर्स में आपका या फिर पावर सिस्टम के कोर्स में गेट में है वो टू मशीन सिस्टम का है,
ठीक है, टू मशीन सिस्टम से ज़्यादा का हम सिंगुलेशन ऑपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं इंडिविजुअल सिंगुलेशन निकाल के और फिर हम उसका निकाल सकते हैं, लेकिन टू मशीन सिस्टम का आपको पता होना चाहिए किस तरह से सिंगुलेशन हम निकालते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं टू मशीन सिस्टम अगर अल्टरनेटर पैरेलल में कनेक्ट है तो फिर उसका सिंगुलेशन हम इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं, मतलब दो अल्टरनेटर पैरेलल में है तो उसको हम इक्विवेलेंट सिंगल अल्टरनेटर में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सिंगुलेशन को, वो सारा चीज़ अब हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो अल्टरनेटर इन पैरेलल देखने वाले हैं जिसमें दो मशीन को मैं पैरेलल में कनेक्ट किया हूँ, एक मशीन का जो रोटर एंगल है वो डेल्टा वन है, दूसरे का मैं डेल्टा टू माना हूँ, उसी तरह से इसका आपका एम वन होगा, इसका एम टू होगा, इनर्सिया कांस्टेंट, और इस मशीन को मैं चाह रहा हूँ कि सिंगल मशीन सिस्टम में कन्वर्ट कर दूँ बाई द यूज ऑफ स्विंग इक्वेशन। तो कैसे कर सकते हैं देखिए, तो यहाँ पर हमको पहला जो केस है दैट इज़ द कोहेरेंट ऑपरेशन। कोहेरेंट ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या है, सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी मिसमैच नहीं है पहली चीज, और दूसरी चीज दोनों का डेल्टा जो है रोटर एंगल है वो क्या है, सेम है, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू है। तो कोहेरेंट का मतलब है कि दोनों का रोटर एंगल जो होगा वो सेम होगा, ऐसा हम अज्यूम करके फिर ऑपरेशन करेंगे। तो पहला अगर मशीन का मैं स्विंग इक्वेशन लिखूं तो क्या होगा, एम वन डी स्क्वायर डेल्टा वन अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए मैकेनिकल पावर पी एम वन है माइनस पी ई वन। उसी तरह से दूसरे जनरेटर का अगर मैं सिंगल इक्वेशन लिखूंगा तो एम टू डी स्क्वायर डेल्टा टू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम टू माइनस पी ई टू होगा, राइट। इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो और फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करो, तो ऐड करेंगे तो हमें पता है डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू है, इस केस में कोहेरेंट ऑपरेशन करा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एम वन प्लस एम टू इंटू डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन डी टी स्क्वायर हो गया, जिसमें हम डेल्टा को क्या मान रहे हैं, डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू पी एम वन प्लस पी एम टू माइनस पी ई वन प्लस पी ई टू। तो यहाँ देखिए आपका एम इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, किसी भी अगर इसको मैं सिंगल मशीन सिस्टम में कन्वर्ट करूं तो ओवरऑल मैकेनिकल पावर दोनों का एडिशन हो जाएगा और इलेक्ट्रिकल पावर भी ऐड कर दो तो ये आपका पीएम इक्विवेलेंट हो गया और ये आपका टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो जब भी दो मशीन कोहेरेंटली ऑपरेट कर रहा है तो उसमें आपको एम इक्विवेलेंट की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू, इनर्सिया कॉन्स्टेंट आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, मैकेनिकल पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, इलेक्ट्रिकल पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो और सिंगल स्विंग इक्वेशन में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो एम इक्विवेलेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एम वन प्लस एम टू। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि टू मशीन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल हैविंग इनर्सिया कॉन्स्टेंट 5 मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन या फिर इलेक्ट्रिकल डिग्री जिसमें भी दे दे, और उसके बाद दोनों का आपका एम वन एम टू दे देगा और एम इक्विवेलेंट पूछेगा, पहला चीज। दूसरा चीज आपको अगर एच के फॉर्म में दे दिया तो बोलेगा कि मशीन हैविंग सिस्टम, एच के फॉर्म में पहले हम निकालते हैं फिर आपको क्वेश्चन बताता हूं। तो एम इक्विवेलेंट यहां पे हम ये लिख सकते हैं जी इक्विवेलेंट इंटू एच इक्विवेलेंट अपॉन पाई एफ, वेयर जी इक्विवेलेंट इज द टोटल रेटिंग ऑफ दिस सिस्टम, मतलब ये जो जी है दैट इज जी इक्विवेलेंट, दोनों मशीन का जो हम कंबिनेशन करेंगे तो टोटल रेटिंग हमारा बेस एम वी ए कॉमन आएगा दैट इज कॉमन बेस इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा जी वन एच वन अपॉन पाई एफ प्लस जी टू एच टू अपॉन पाई एफ, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहां से देखिए आपको एच इक्विवेलेंट जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू जी वन एच वन प्लस जी टू एच टू अपॉन जी इक्विवेलेंट। तो जी इक्विवेलेंट जो है दैट इज द कॉमन बेस, जो हमारा न्यू मशीन सिस्टम बना रहे हैं उसका बेस एम वी ए जो होगा वो, और जी वन जी टू जो है वो आपका इंडिविजुअल बेस है, मशीन वन का इंडिविजुअल एम वी ए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और एच भी आपका एच वन जो है वो उसका इंडिविजुअल इनर्सिया कांस्टेंट है जिसका आपको वैल्यू जो दिया रहेगा वो मेगा जूल पर एम वी ए में दिया रहेगा। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है सिस्टम हैविंग 5 मेगा जूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन एक मशीन का, और दूसरे का भी 10 मेगा जूल पर इलेक्ट्रिकल रेडियन है, और दोनों कोहेरेंटली पैरेलल में ऑपरेट कर रहा है, तो आप इक्विवेलेंट इनर्सिया कांस्टेंट क्या होगा, तो आप उसका यूनिट चेक करो। अगर यूनिट आपका मेगा जूल सेकेंड पर
पर इलेक्ट्रिकल रेडियन में है, इसका मतलब एम दिया हुआ है, ठीक है, और एम दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप ऐड कर दो तो 5 + 10 = 15 आंसर आ जाएगा। सेकेंड, अगर ऐसा दे सिस्टम हैविंग मशीन हैविंग या अल्टरनेटर हैविंग इनर्सिया कॉन्स्टेंट 5 MJ/MVA कितना पे, तो 10 MVA बेस पे, फिर उसके बाद 10 MJ/MVA कितना पे, तो 5 MVA पे बेस पे, तो G1 की वैल्यू 10, G2 की वैल्यू 5 मिल गई, H1 की वैल्यू 5, H2 की वैल्यू 10 मिल गई। अब आपसे पूछेगा कि बताओ इनर्सिया कॉन्स्टेंट एट 20 MVA क्या होगा, तो इनर्सिया कॉन्स्टेंट एट 20 MVA तो जी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 20 MVA, तो आप इजिली इनर्सिया कॉन्स्टेंट एट 20 MVA निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से। तो ध्यान रखना यूनिट का, ये कौन सा यूनिट दिया हुआ है, मतलब कि एच इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल बेस पता होना चाहिए, लेकिन एम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इंडिविजुअल बेस की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको M1 M2 दिया रहेगा तो आप इजिली निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि कोहरेंटली ऑपरेट होना चाहिए, कोहरेंटली अगर ऑपरेट नहीं हो रहा है तो आप ऐसे नहीं कर सकते, क्लियर हो गई इतनी बात। अब देखते हैं हम लोग कोहरेंटली ऑपरेट नहीं करेगा तब इनकोहरेंट ऑपरेशन में हमारा क्या इक्विवेलेंट आएगा, एम इक्विवेलेंट, वो हम चेक करते हैं। तो केस टू देखिए, इनकोहरेंट ऑपरेशन की बात हो रही है, मतलब डेल्टा वन ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू डेल्टा टू है, मतलब कि डेल्टा वन कुछ और होगा डेल्टा टू कुछ और, अगर दो मशीन इस तरह से कनेक्ट है, फाइन। अब देखिए हमको किसी एक को तो डेल्टा को ज़्यादा मानना पड़ेगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि डेल्टा वन जो है वो ज़्यादा है डेल्टा टू से, आप डेल्टा टू को भी ज़्यादा रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे मान रहे हैं डेल्टा वन जो है वो ज़्यादा है डेल्टा टू से। तो आपको पता होना चाहिए कि रियल पावर जो होता है वो ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई रोटर एंगल टू लो रोटर एंगल। अगर आप पावर सिस्टम वन का बेसिक आपको पावर फ्लो इक्वेशन पता है तो आप इजली इसको बता सकते हो कि जिधर का रोटर एंगल ज़्यादा होता है उधर से आपका रियल पावर फ्लो करता है, जिधर कम रोटर एंगल उधर। तो अभी मैं अगर डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि रियल पावर ये जनरेटर G1 का फ्लो होगा जनरेटर G2 के पास, मतलब कि पावर का जो फ्लो हो रहा है वो लेफ्ट टू राइट हो रहा है, दैट मीन्स कि एक जनरेटर आपका पावर डिलीवर करेगा और दूसरा जनरेटर आपका पावर एब्जॉर्ब करेगा, मतलब कि वन जनरेटर विल बिहेव लाइक एन वन सिंक्रोनस मशीन विल बिहेव लाइक अ जनरेटर एंड अदर सिंक्रोनस मशीन विल बिहेव लाइक अ मोटर। अगर हम यहाँ पे डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू बोल रहे हैं, मतलब कि ये आपका जनरेटर की तरह बिहेव करेगा और ये आपका मोटर की तरह बिहेव करेगा, मतलब ये पावर को एब्जॉर्ब करेगा। अब हम यहाँ पे मानते हैं कि ये जो है लाइन ये लॉसलेस लाइन है, तो लॉसलेस लाइन का मतलब है मान लीजिए ये पावर PE1 जनरेट कर रहा है और ये पावर PE2 एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि PE2 नहीं, दोनों जनरेट में अगर हम दिखाएं PE1 आपका लेफ्ट टू राइट है और PE2 ये जनरेटर G2 अगर PE2 ऐसे आपका राइट टू लेफ्ट जा रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि PE2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ PE1 होगा अंडर लॉसलेस कंडीशन, राइट, क्योंकि ऑब्वियसली हमारा PE2 जो है वो ऐसा नहीं है, अपोजिट ही होगा, क्योंकि इस जनरेटर विल बिहेव लाइक अ मोटर और ये पावर रियल पावर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ये इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। तो देखिए अब दोनों का अगर हम स्विंग इक्वेशन लिखें तो यहाँ पे फटाफट मैं लिखता हूँ M1 dA² delta 1 / dT² = PM1 - PE1, उसी तरह से M2 dA² delta 2 / dT² = PM2 - PE2। तो ये रियल पावर जो एक्सचेंज हो रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप टेंशन बिल्कुल मत लो, पावर सिस्टम वन जब हम पढ़ाएंगे आपको पूरा अच्छे से वोल्टेज कंट्रोल और रियल पावर का एक्सचेंज कैसे हो रहा है, रिएक्टिव पावर क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, सारा चीज़ हम लोग देखेंगे वहाँ पर पावर फ्लो इक्वेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे PM2 - PE2 आ गया। अब देखिए इसको, अब चूंकि डेल्टा वन और डेल्टा टू दोनों बराबर नहीं है, तो ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि डेल्टा वन ग्रेटर देन डेल्टा टू है, तो हम क्या करेंगे, इसको M2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमको इक्विवेलेंट निकालना है तो इसको M2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको M1 से मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, M1 M2 dA² / dT² इसको आप इक्वेशन वन ले लो और इसको इक्वेशन टू ले लो और दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करो, फर्स्ट माइनस सेकेंड करो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, delta 1 - delta 2। फर्स्ट को सेकेंड से हम क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमको पता है डेल्टा वन जो है वो ग्रेटर देन डेल्टा टू है, तो हम ऐसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो M1 M2 dA² / dT² · delta 1 - delta 2 आपको मिल जाएगा और इधर क्या मिलेगा, PM1 M2 - PM2 M1, उसके बाद इसका आप देखोगे तो -PE1 M2 P
प्लस पी ई टू, इट विल बी इन माइनस सो प्लस हो जाएगा, तो प्लस पी ई टू एम वन, ऐसा ही कुछ आएगा। आप इसको माइनस करो तो इट विल बी माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस ही आएगा, ये माइनस आएगा, राइट। अब देखिए इस इक्वेशन से पी ई टू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई वन हम कर सकते हैं, ये पी ई वन है तो पी ई टू को आप रिप्लेस कर दो, तो फाइनली आपको मिल जाएगा पी एम वन एम टू माइनस पी एम टू एम वन माइनस पी ई वन कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे एम वन एम टू प्लस एम वन, तो आप उसको एम वन प्लस एम टू भी लिख सकते हो। अब पी ई टू की वैल्यू माइनस ऑफ पी ई वन डालो, ये पूरा प्लस हो जाएगा, पी ई टू इज इक्वल टू माइनस पी ई वन डालेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो एम वन प्लस एम टू आपको मिल जाएगा। अब इस एम वन प्लस एम टू को इससे डिवाइड कर दो, सबको डिवाइड कर दो, तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू, डिवाइड कर दीजिए सब जगह, तो डी स्क्वायर डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको मिला पी एम वन एम टू माइनस पी एम टू एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू माइनस पी ई वन। तो ये आपका इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल पावर है, हम बता रहे हैं आपको रियल पावर जो फ्लो होगा सिर्फ जनरेटर से फ्लो होगा, इसलिए पी ई वन आया जनरेटर वन से, और ये आपका पूरा मैकेनिकल पी एम इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। तो टोटल मैकेनिकल पावर में आप देखो पी एम वन एम टू माइनस पी एम टू एम वन बाई एम वन प्लस एम टू आएगा, और यहाँ पे इक्विवेलेंट जो इनर्सिया कांस्टेंट आएगा दैट इज एम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू। अब इसमें आपको जी इंटू एच इक्विवेलेंट अपॉन पाई एफ जो होता है वो होता है एम इक्विवेलेंट, तो एम इक्विवेलेंट हम पहले निकालेंगे इस तरह से, और उसके बाद जो भी बेस एम बी ए पे हमको निकालना है तो जी इंटू एच इक्विवेलेंट अपॉन पाई एफ कर देंगे, तो हमको यहाँ से एच इक्विवेलेंट में मिल जाएगा दैट इज एम इक्विवेलेंट इंटू पाई एफ अपॉन जी। क्लियर हो गया इतना बात। तो इस तरह से हम एम और एच निकाल सकते हैं अगर मशीन ऑपरेट कर रहा है आपका कोहेरेंटली या इनकोहेरेंटली। अगर इनकोहेरेंटली ऑपरेट कर रहा है तो आपको ये सब थोड़ा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, तो एम इक्विवेलेंट आपका एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू आएगा। इसमें भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है मशीन हैविंग इनर्शिया कांस्टेंट, टू मशीन हैविंग इनर्शिया कांस्टेंट 5 मेगाजूल सेकेंड पर एम पर इलेक्ट्रिकल रेडियन एंड 10 मेगाजूल सेकेंड पर इलेक्ट्रिकल रेडियन, अब बताओ इक्विवेलेंट क्या होगा इनकोहेरेंटली ऑपरेट कर रहा है, तो एम वन एम टू बाई एम वन प्लस एम टू, ये अगर पता चल गया तो एच इक्विवेलेंट भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखो, जो फॉर्मूला मैं डिराइव कर रहा हूँ ये सारा फॉर्मूला आपके शॉर्ट नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और यूनिट का जरूर ध्यान रखना एम और एच में। हम लोग क्वेश्चन जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे, आपको तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीधे स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ स्टेबिलिटी पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग डायरेक्टली स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी में स्विच करने वाले हैं, और उसमें हम लोग बहुत डिटेल में जाएंगे, तो आपको बहुत मजा आने वाला है, क्लियर है। तो ये सारा चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से करते हैं, अभी के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।